एक सब तो वड्डी टेंशन कैंडीडेट्स नू जिहड़े बीएड एडमिशन विच काउंसलिंग विच पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, एक कि साडा फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट जां फाइनल ईयर का रिजल्ट हजे आउट नहीं होया, हजे एग्जाम चल रहे हैं, तो असी की करांगे। उन्हां लई ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने रखी है, नंबर एक जदों तुसी फिल करना है ऑनलाइन फॉर्म, तो जेकर तुहाडा रिजल्ट हजे आउट नहीं होया 6th सेम का, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਅਬਟੇਨਡ ਮਾਰਕਸ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਉਹ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? द कैंडिडेट हु डोंट अपडेट दियर फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट एग्रीगेट स्कोर ऑन एडमिशन पोर्टल बाय 22 अगस्त। इट मीनस जेकर 22 अगस्त 2023 तक रिजल्ट आउट नहीं हो जाता, तुसी ऑनलाइन इतने नहीं फिल कर पाओगे, तो तुसी फर्स्ट काउंसलिंग विच शामिल नहीं हो पाओगे। फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग एंड कैन बी कंसिडर्ड ओनली फॉर सैकेंड राउंड ऑफ, ये सैकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है, ये याद रखना है। ये नुकसान नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि थोड़ा कसूर कोई नहीं है, लेकिन मोस्टली उदों तक रिजल्ट आ जाते हैं। दूसरा अजिहा होंदा है यूनीवर्सिटी तिना यूनीवर्सिटियां जां बाकी यूनीवर्सिटियां दे रिजल्ट की वेट करके कई बार डेट नूं एक्सटेंड भी कर दिंदियां ने। सो पहली डेट 22 अगस्त 2023 है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुसी विच शामिल नहीं हो सकते, जां इस तों बाद तुहानूं मौका नहीं दिता जाएगा। मौका तुहाडा हर हालत विच बनता है, अदरवाइज तुहाडे नाल इनजस्टिस है, उस लई फिर न्याय दे दरवाजे खटखटाने पैणगे। सो कैंडीडेट हु डोंट अपडेट देयर फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट बाय 6th सितंबर, इस तो बाद जिहड़ा मौका दिता, लास्ट डेट रखी गई है 6 सितंबर, लगभग उदों तक सब दे रिजल्ट आ जाते हैं। सो इस डेट नूं देख के पिछले अपने साथी नूं किसी नूं पुछ लो कि तुहाडा फाइनल का एग्जाम इस यूनिवर्सिटी का कदों आया सी, तुहानूं तसल्ली मिल जाएगी। सो उदों तक रिजल्ट आ जाते हैं। 2023 ऑन एडमिशन पोर्टल विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन एनी कॉलेज दिस ईयर फॉर बीएड प्रोग्राम। हुण इत्थे मैनूं पता नहीं है कि इहनूं चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं, फिर भी तुहानूं घबराउण की जरूरत नहीं है, मैं इत्थे क्वेश्चन मार्क पाना हाँ। पर 6 सितंबर तक अपने आप नूं रिलैक्स कर लो, क्योंकि प्रॉबेबिलिटी होएगी, ईवन ये कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सिटी हुंदी है, इन्हां नूं पता हुंदा है कि रिजल्ट आउट मेन जिहड़े क्वालीफाई एग्जाम है जैसे ग्रेजुएशन ते एमएड दे है तद तक हो जाते हैं। सो इस नूं हजे तक क्वेश्चन मार्क च रख्या जावे, और 6 सितंबर तक तुसी रिलैक्स रहो, क्योंकि मैं दोबारा दस दिना हाँ बीएड दियां सीटां लगभग 22,000 तो जनरली सब तो इस तो वध ही हुंदियां ने, और कैंडीडेट अपीयर हुंदे ने लगभग 12 तो 14,000 लिख लो, इन्ने कैंडीडेट अपीयर हुंदे ने। सो घबराउण की जरूरत नहीं है, बाद विच सीटां खाली रहिंदियां ने, आराम नाल मिल जांदियां ने। प्राइवेट वड्डे कॉलेज 200 सीटां वाले कॉलेज भी पए रहिंदे ने। हाँ, हर हालत विच एंट्रेंस टेस्ट जरूर देना, 2600 नूं वड्डा ना समझना, बाद विच टेंशन 26,000 की 36,000 की 46,000 तक तुहाडी पहुँच सकती है। एंट्रेंस टेस्ट जरूर देना। ये मैं कदे अपनी वीडियो नूं ये नहीं कदे कहा कि मेरा शेयर करो लाइक करो, कहांगा भी नहीं, पर ये जरूर कह दिना हाँ कि अपने साथियों नूं अपने सोशल मैंबर नूं ये जरूर कहो कि बीएड दा एंट्रेंस टेस्ट जरूर दिओ। मेरा वीडियो शेयर करके ना कहो, आप फोन ते कह दो, मैसेज कर दो, फेसबुक ते सोशल मीडिया ते कह दो, कितने भी कह दो, उन्हां दा भला होएगा। थैंक यू डॉक्टर तीर सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।